नमस्कार, जनमत की पुकार में आपका स्वागत है। अयोध्या में श्री राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर देश भर में भक्ति का माहौल देखने को मिल रहा है। जगह जगह श्री राम लीला का मंचन भी हो रहा है। लव कुश श्री राम लीला कमेटी द्वारा श्री राम लीला में प्रभु श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण जी का किरदार निभाने वाले से जनमत की पुकार के मुख्य संपादक आरके जायसवाल ने बातचीत की है। सुनिए उन्होंने क्या कहा। नमस्कार, मैं आरके जायसवाल और आप देख रहे हैं जनमत की पुकार। मैं मौजूद हूं, पुरानी दिल्ली के नेशनल क्लब है ये, और यहां पे सीता स्वयंवर का आयोजन किया गया है जो अयोध्या में राम मंदिर बनने उसी के उपलक्ष्य में, और राम जी, सीता जी, लक्ष्मण जी और हनुमान जी हमारे साथ हैं। क्या कहेंगे, राम जी का मंदिर बन रहा है। सभी को मेरी तरफ से जय श्री राम, और मैं सबको बधाई देना चाहता हूँ कि प्रभु श्री राम जी की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, और उस दिन सब लोग अब दिवाली बनाओ जैसे हम दिवाली हम लोग बनाते हैं। सब कम से कम 11 दिवस तक अपने घर पे जलाओ, और पूरे सबके साथ भी यह हमें करना चाहिए, क्योंकि ये 560 साल पुराना जो मुद्दा ख़त्म होने को आ रहा है, इसमें पॉलिटिक्स भी हुआ था, राजनीति, बहुत सारी चीज़ें हुई थी, अभी ख़त्म होना चाहिए। मैं चाहता हूँ सबको मिल के उस दिन 22 तारीख को सबको फुल आनंद करना चाहिए। जय श्री राम। माता सीता के किरदार कर रही है, आपका मंदिर बन रहा है, राम सीता जी का वहाँ पे मंदिर बन रहा है अयोध्या में, क्या कहेंगी, लोगों से क्या अपील करना चाहेंगी। सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरी तरफ से। मैं वैभवी जागे यहाँ की सीता हूँ, और आप सभी को बहुत बहुत बधाई देती हूँ राम मंदिर के उपलक्ष में। आप सभी 22 तारीख को दिवाली मनाएं और हमारी संस्कृति को बढ़ावा दें। कोई ऐसा संवाद जो हमारे दर्शकों को सुनाना चाहें। बिल्कुल ज़रूर। हे रघुनंदन, मेरे श्वास आप हैं, मेरा श्रृंगार आप, मेरे सिंदूर आप हैं, आराध्य आप, नाथ मैं आपके साथ वनों को अवश्य जाऊंगी। यदि आप मुझे ना लेकर गए तो रघुनंदन, आपके साथ केवल जाएंगे मेरे प्राण। नहीं सिद्ध, अब इन सब बातों को छोड़ो, क्योंकि जो माता पिता की सेवा करता है वो सबसे बड़ा कर्तव्य होता है। इसलिए तुम मेरा कहना मानकर तुम घर पर रहो, मात सेवा की से भरकर और कोई दूसरा धर्म नहीं है प्रिय। और प्रिय, वो विवन तुम्हारे योग्य नहीं, तुम अति कोमल हो प्रिय। क्या कहा, क्या कहा, जानकी कोमल है, क्या रघुनंदन है कठोर। नाथ, यदि यदि सिंहनी के संग सिंह रहे तो उसको डर या भय कैसा। नाथ, मैं आपसे विनम्र निवेदन करती हूँ, मुझे वनों में अपने साथ ले चले। ठीक है सिद्ध, यदि तुम हट कर ही रही हो तो जाओ, वन जाने की तैयारी करो। स्वामी सुख का संवाद कभी दुख का कारण बन जाता है, मीठा और मधुर बोलने से तोता पिंजरे में आता है, जो ज़्यादा मीठा होता है वो अपना नाश कराता है, मीठे गन्ने को देखे तो कोल्हू में पैर आ जाता है। भाई ने मीठे वचन कहे तो क्रोध आपको आया है, सबसे पहले बोल उठे इसलिए दोषी ठहराया है, अच्छा अपराधी हम ही सही, हमने ही ये विष खोला है, जो करना हो सो करें आप, शिव धनुष राम ने तोड़ा है। अब जिस तरीके से वहाँ पे मंदिर का उद्घाटन हो रहा है, क्या कहेंगे इस अवसर पर। सबसे पहले तो सबको बहुत बहुत बधाइयाँ, प्रभु श्री राम वापस अपने घर लौट रहे हैं, और सारी जनता से अपील है कि सब लोग 22 तारीख को एक दिवाली के रूप में बनाएं, घर घर दिए जलाएं, घर घर संदेश पहुंचाएं, क्योंकि प्रभु श्री राम लला अपने घर वापस लौट रहे हैं, और बहुत ही खुशी का दिन है। तो देख रहे हैं किस तरीके से 22 तारीख को जो अयोध्या में राम मंदिर का उद्घाटन हो रहा है, इनका अपील कर रहे हैं, साफ साफ अपील करें कि 11 दिए, 5 दिए जरूर जलाएं। मिलते हैं किसी और खबरों के साथ, नमस्कार। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ, नमस्कार।